पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आफरीना है और मैं कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने FCPS किया हुआ है पीट्स मेडिसिन में। आजकल मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में एज हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं सैम्ब्रोस हॉस्पिटल और हुसैन लखानी हॉस्पिटल जो नॉर्थ नाथमाबाद और FP एरिया में है उसमें भी प्रैक्टिस करती हूँ, और ओला डॉक के थ्रू मैं वीडियो कंसल्टेशंस भी देती हूँ। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट ग्रोइंग पेन्स। अक्सर क्या होता है कि बच्चे जब लेट इवनिंग में या रात में सोते हुए पाँव में टांगों में दर्द की शिकायत करने लगते हैं। वो दर्द वैसे नॉर्मल होता है, बट कभी कभी इतना इंटेंस होता है, इतना शदीद होता है कि बच्चे नींद से उठ जाते हैं, या बच्चे जो है उस वक्त तक सो नहीं पाते जब तक वो पाँव दबवाएं नहीं या फिर पाँव की मालिश ना कराएं। तो ऐसे पेन को हम ग्रोइंग पेन्स कहते हैं। ये पेन जो है या तो टांगों में होता है आगे की हिस्से में, या घुटनों के पीछे होता है, या फिर थाइस में भी हो सकता है। ये पेन सेल्फ लिमिटिंग होता है, खुद ही इम्प्रूव हो जाता है, और इट इज़ वेरी नॉर्मल इन चिल्ड्रन जो 3 साल से 12 साल तक के बच्चे होते हैं। अमूमन 30-40% जो बच्चे हैं उन्हें ज़िंदगी में कभी ना कभी अपनी डेवलपमेंट में ये ग्रोइंग पेन्स होते हैं, और ये ज़्यादा कॉमन है गर्ल्स में देन बॉयज़। इस पेन की ड्यूरेशन कुछ दिन, कुछ महीने या 1 साल तक भी हो सकती है, लेकिन ये पेन जो है सिर्फ रात में होता है या लेट इवनिंग में होगा, और जब बच्चा सुबह उठेगा तो ही विल बी नॉर्मल, वो नॉर्मल होगा और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो है वो नॉर्मल तरीके से करेगा, और रात वाली कैफियत सुबह में नहीं होती है। अब आते हैं कि ग्रोइंग पेन की कॉजेज क्या हैं, वजह क्या हैं। बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है इसके पीछे, लेकिन अभी तक कोई ठोस या हतमी वजह सामने नहीं आई, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं कि ये वजूहत हो सकती हैं ग्रोइंग पेन्स की। उसमें पहला तो ये है कि शायद बच्चे में विटामिन डी की और कैल्शियम की कमी है जिसकी वजह से बच्चों को पेन होता है। सेकंड ये कि हेरिडिटरी हो, मतलब पेरेंट्स को भी होता था पेन जब वो बच्चे थे या टीनेजर थे, और अब उनके बच्चों को भी ग्रोइंग पेन्स होते हैं, या फैमिली हिस्ट्री हमें मिलती है। थर्ड ये कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और सारा दिन खेल कूद करते रहते हैं, तो लेट इवनिंग होते होते वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें पेन ज़्यादा होता है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पेन टॉलरेंस बहुत कम होता है, पेन बर्दाश्त करने की जो उनकी कुव्वत है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जो वो पेन बर्दाश्त नहीं कर पाते तो उनको भी पेन ज़्यादा होता है। लास्ट एक वजह ये भी सामने आती है कि बच्चों की क्योंकि ग्रोथ हो रही होती है, उनका मेटाबॉलिज्म और बोन ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से भी उनको ये पेन हो सकता है। अब आते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। तो ग्रोइंग पेन्स को डायग्नोस करने के लिए कोई भी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ कोई एसोसिएटेड कंडीशन है तो हो सकता है आपके डॉक्टर आपको कुछ जो है टेस्ट एडवाइस करें। लाइक अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी का टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और किस तरह से रिलीफ किया जा सकता है, कैसे बच्चे को पेनलेस किया जा सकता है। तो उसमें एक तो ये है कि बच्चों का मसाज कर सकते हैं, उनको जो है गरम किसी चीज़ से टिकोर कर सकते हैं, या हॉट वाटर बॉटल्स जो होती हैं उसके थ्रू सेक दे सकते हैं। मसाज इज़ वेरी हेल्पिंग और उससे बच्चों को काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर मसाज और हॉट वाटर बॉटल से भी बच्चों को रिलीफ नहीं मिल रहा तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बच्चों को एनाल्जेसिक या कोई दर्द की दवा स्टार्ट करा जा सकते हैं, जिसमें कॉमनली हम पैरासीटामोल या आइब्यूप्रोफिन यूज़ करते हैं बच्चों के डोज के मुताबिक। अगर बच्चे में विटामिन डी की कमी है तो हो सकता है कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स बच्चे को दिए जाएं। इसके अलावा बच्चों को हाइड्रेट रखना चाहिए, फ्रेश जूसेस देने चाहिए। अगर विटामिन डी की कमी है तो आप उनको विटामिन डी वाले ऐसे खाने खिलाएं जिसमें विटामिन डी ज़्यादा हो, जैसे कि चीज़ हो गया या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, और सनलाइट में भी बच्चों को बिठाएं ताकि जो है विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी हो सके। इन द एंड मैं बस यही बोलूँगी कि ग्रोइंग पेन्स एक बहुत ही बेनाइन कंडीशन है और एक हार्मलेस कंडीशन है,
बच्चे तंग होते हैं, बच्चों को पेन होता है, लेकिन आपको रीअश्योर रहना है कि ये एक हार्मलेस कंडीशन है और ये खुद ही सेल्फ रिमिटिंग है, खुद ही ये जो है आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हो जाएगी, इसके लिए कोई परमानेंट ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप ओला डॉक के थ्रू मेरी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं इसके, या फिर आप मुझे फिजिकली भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।